हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नई ट्रांसफ़र पॉलिसी की, जिसमें यहां पर शिक्षकों को 10 स्कूल या फिर जो है किस तरह से उनको स्कूल चुनना है और क्या उनको स्कूल चुनने को मिलेगा या प्रखंड चुनने को मिलेगा या फिर जो है उनको पंचायत चुनने को मिलेगा, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग किस तरह से ऑनलाइन अपने स्कूल का चुनाव करेंगे और किस तरह से आप लोग अपना ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे, वो भी हम लोग पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अपने चैनल SS क्लासेस बाय साकिब अहमद में। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोग को जो है यहाँ पे सारा डिटेल्स मिलता रहे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। सबसे पहले मैं आप लोग को ये जो आप लोग का नीति आया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, वो मैं पहले बता देता हूँ। इसमें आप लोग को किस तरह से चुनाव करना है वो आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग को डेमो दिखाएंगे कि आप लोग किस तरह से अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो प्रक्रिया है उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एक नंबर में ज़िला का च्वाइस करना पड़ेगा कि आप लोग कौन सा ज़िला चुनना चाहते हैं। दूसरा, उसके बाद फिर आप लोग को उस ज़िला में जाने के बाद आप लोग को अनुमंडल चुनना पड़ेगा, अनुमंडल आप लोग वहां से चुन लेंगे। तीसरा, आप लोग का जो ज़िला होगा वो होगा आप लोग का उसके बाद आप लोग को प्रखंड का च्वाइस करना है और उस प्रखंड में आप लोग उसके बाद फिर आप लोग को पंचायत का च्वाइस करना है। ये आप लोग देख सकते हैं या फिर जो पंचायत या फिर नगर पंचायत जो भी हो उसका आप लोग को चुनाव कर लेना है। और ये जो प्रक्रिया होगा ये आप लोग का इसी तरह से चलता हुआ रहेगा, सभी शिक्षकों पर यह जो है सीधे तौर पर लागू होगा। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि आप लोग को आप लोग का जो डायरेक्ट बोला जा रहा था कि 10 विद्यालय चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो वो यहाँ पर आप लोग को ऐसा नहीं है। आप लोग को पंचायत या नगर पंचायत चुनना है, उसके बाद फिर बाकी रैंडमाइजेशन के तहत आप लोग को विद्यालय आवंटित होगा। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग किस तरह से आप लोग को अप्लाई करना है उस पर चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो आप लोग का ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से होगा, जिसमें आप लोग टीचर लॉगिन कर करके उसके बाद आप लोग साइन इन कर लेंगे। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं होगा तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड करके आप लोग यहां से डिटेल्स ले सकते हैं और आप लोग यहाँ से अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये आप लोग का पूरा प्रोसेस होगा, जिसमें आप लोग टीचर लॉगिन करके उसके बाद फिर आप लोग को साइन इन करके यूज़र आईडी पासवर्ड और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप लोग का जो ये प्रोसेस है वो पूरा होगा। उसके बाद फिर जो है आप लोग अगले स्लाइड पे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को यहाँ पे देखिएगा तो कई सारा चीज़ मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को यहाँ पे एक टीचर सेक्शन दिखाई देगा। उस टीचर सेक्शन पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग उस टीचर सेक्शन पे क्लिक करिएगा तो आप लोग उससे आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप लोग का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लिखा हुआ मिलेगा। वो आप लोग को ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वाले पे जो है आप लोग को क्लिक करना है और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो उसके बाद फिर आप लोग का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं आपका टीचर का प्रकार वगैरह आप लोग को पहले से लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आप लोग रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र स्कूल, आप लोग को अपना जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो भी आप लोग का वहाँ पे बताएगा। और वहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट चूज़ करूँ तो वहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन रहेगा उसमें। इसमें जो है आप लोग का ये आप लोग का दिया गया है। अब उसके बाद आप लोग को सब डिवीज़न चूज़ कर लेना है और उसके बाद फिर पंचायत या नगर पंचायत आप लोग को यहाँ पे चूज़ करना है। ये आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का यहाँ पर पूरा डिटेल्स होगा। उसके बाद फिर जो है इसी तरह से फिर आप लोग को फिर अगला सब डिवीज़न चूज़ करना है और फिर आप लोग को आगे का प्रोसेस करना है। तो ये लगातार आप लोग का इसी तरह से होता हुआ रहेगा और जब आप लोग पूरा इसमें डिटेल्स भर लेंगे तब फिर जो है आप लोग का जो अगला स्लाइड होगा वो खुलेगा, जहां से आप लोग को और भी डिटेल्स डालना होगा। उसके बाद फिर आप लोग का आगे का प्रोसेस होगा। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला यहां पर आप लोग का ये दिख रहे हैं कि यहां पर डू यू वांट टू सबमिट, अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस करेंगे और नो करना चाहते हैं तो यहाँ पर
आप लोग नो करेंगे। तो यहाँ पे सभी लोग करेंगे यस, क्योंकि जो है उनको सबमिट करना है, तभी जा कर के उनका डिटेल्स फुलफिल होगा। और यहाँ से जो है आप लोग जैसे ही सबमिट करिएगा, यस करिएगा, तो उसके बाद आप लोग का ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेज्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। फिर आप लोग का जो है यहाँ से ये प्रोसेस है, ये हो जाएगा। अब आगे की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो ये आप लोग का, तो एक आप लोगों ने अनुमंडल चूज़ कर लिया, और उसके बाद इसी तरह से आप लोग को 10 यहाँ से चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग का पूरा डिटेल्स रहेगा, और उसके बाद फिर आप लोग का टीचर आईडी वगैरह भी दिखेगा, स्टेटस दिखाएगा, और उसके बाद एक्शन यहाँ पे आप लोग को इस तरह से दिखाएगा। तो ये आप लोग का फुल प्रोसेस है जो कि आप लोग को पूरा फॉलो करना है, और इसी प्रक्रिया के आधार पर आप लोग का ट्रांसफ़र होगा। अगर किसी तरह का गलती हो गया होगा तो आपको डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डिलीट कर करके आप लोग का जो है आप लोग डिलीट कर करके वहाँ से फिर से नया ऑप्शन डाल सकते हैं। और आपको जो है इसी तरह से दस आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, और 10 ऑप्शन आप लोग वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग एक जैसे कोई ऐसा पंचायत है जहाँ पे प्रखंड है जहाँ पे नगर पंचायत वगैरह है, और साथ ही साथ पंचायत भी है, तो आप लोग दोनों चीज़ चूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग का पूरा प्रोसेस है, इसी के आधार पर आप लोग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो होएगा, और साथ ही साथ आप लोग का जो प्रोसेस है इसी तरह से आप लोग को फॉलो करना है, तभी जा कर के आप लोग का ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो आगे पूरा, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा प्रोसेस आप लोग को इसी तरह से फॉलो कर लेना है। और आप लोग इस फिराक में नहीं रहेंगे कि आप लोग का जो है 10 विद्यालय चूज़ करने का मौका मिलेगा, आप लोग को 10 विद्यालय चूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आप लोग का जो ट्रांसफ़र होने वाला है उसके लिए जो है आप लोग का जो अंतिम चीज़ होगा वो होगा पंचायत या नगर पंचायत, वहीं से जो है आप लोग का ट्रांसफ़र की प्रोसेस जो है वो पूर्ण होगा। और ट्रांसफ़र होने के बाद आप लोग वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आप लोग को अप्लाई कर देना है, और उस अप्लाई करने के बाद आप लोग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगा। और कुछ ही दिनों में यानी कि दिसंबर महीने तक आप लोग का रेंडमाइज तरीके से, जैसे आप लोग कोई एक पंचायत चूज़ करते हैं तो उसमें सीट के हिसाब से आप लोग का वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आप वहाँ के शिक्षक हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक आप जो है नियोजित टीचर ही रहेंगे, और जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे उस दिन से आप लोग विशिष्ट शिक्षक होंगे। तो सोच समझ करके पूरा प्रोसेस करिएगा, और आप लोग ध्यान से इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।